चंद्रशेखर आजाद स्मृति अंतर्राष्ट्रीय रैपिड रेटिंग शतरंज स्पर्धा का 26 फरवरी को कलेक्टर सोमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता द्वारा शुभारंभ किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं स्पर्धा के चेयरमैन सिद्धार्थ जैन, LDM राजेश कुमार द्वारा जिला प्रशासन झाबुआ के तत्वावधान में 26 और 27 फरवरी को अम्बा पैलेस में चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल फेडरेटिंग रैपिड शतरंज स्पर्धा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का पुष्प गुच्छ से अभिनंदन किया गया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से गेम खेलकर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस आयोजन में 3,00,000 रुपए प्राइज मनी है। यह मध्य प्रदेश शतरंज खेल इतिहास की सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाली रैपिड स्पर्धा है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की चेयरमैन के हैसियत से मैं सभी खिलाड़ियों को, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम को, जिसमें गौरव चतुर्वेदी हमारे टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, परिक जन सेवा संस्था से अर्चना मैडम ने काफी सहयोग प्रदान किया है, विवेक जी हमारे शासकीय एक सेवक हैं, उन्होंने काफी इसमें सहयोग प्रदान किया है, विवेक धाकड़े जी, दवे जी एक्सेट्रा, बहुत से लोगों ने इसमें काफी सहयोग प्रदान किया, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ यहाँ से। हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य आर्बिटर सुनील सोनी जी, डिप्यूटी आर्बिटर दीपक चौहान, फील्ड आर्बिटर मनीष चंडलिया एवं नेशनल आर्बिटर OP यादव द्वारा भी स्पर्धा आयोजन के पूर्व यथा अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन करें और यहाँ से ये बहुत जरूरी है हम समझें कि कोई हार तक नहीं आता, हम जीतते हैं, हम सीख कर जाते हैं, तो इसी सीख के साथ हम लोग इन 2 दिन को अच्छे से खेलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।